नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर के जनकगंज थाना इलाके के सत्यनारायण की टेकरी में किराए के एक मकान में रहने वाली विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि मृतका का पति यहां मार्वल स्टोर पर मजदूरी करता था। मृतका ने फांसी क्यों लगाई, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। मुरैना के सल्लपुर थाना रामपुरा का रहने वाला ओम प्रकाश गोस्वामी यहां ग्वालियर के सत्यनारायण की टेकरी के पास मार्वल घिसाई का काम करता था। बीती रात जब घर के सभी सदस्य सो गए और सुबह उठकर देखा तो उसकी पत्नी पूनम फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पीएम हाउस पहुँचाया और मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। बच्ची ने अंदर रूम में हो गई है और बच्चे मजदूरी करने के लिए चले गए हैं। छोटी बच्ची अंदर सुला दी है, अब भगवान ही मालिक है। इसने कोई धमकी नहीं किसी ने दी है, कोई परेशानी नहीं थी। 11 बजे मेरे से बात, 10:30 बजे मेरे से बात हुई है 1 घंटे। तो वो क्या है कि अंदर बच्ची सो गई, 6 बजे मकान मालिक ने गेट खटखटाया दूध के लिए। अब गेट खटखटाया, छोटी बच्ची जग गई, उसने खुंदी खोली है। जब ये लोगों ने देखा है, बच्चों के लिए फ़ोन किया है, बच्ची का देवर बच्ची का पति वो गए हैं, उनने देखा है, फिर अपने पुलिस वाले गए वहाँ, इनने भी वो हाल देखा है, लिखा पढ़ी की है, यही है और कुछ नहीं है। ये टेलीफोन से सूचना मिली थी तो फिर वो आया और उसने मर्ग कायम कराया, गई थी वहाँ तो उसमें जो है मृतका फांसी के फंदे से लटकी हुई थी। उसका मृतका का नाम श्रीमती पूनम, पत्नी ओम प्रकाश गोस्वामी, उम्र उसकी 20 साल है, ग्राम सलमपुर थाना रामपुर जिला मुरैना की रहने वाली है। यहाँ उसका पति मार्बल घिसाई का काम मजदूरी करता है, सत्यनारायण की टेकरी पर भरत धाकड़ के मकान में किराए से रहती थी। अभी वजह क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि मायके और दोनों पक्षों पर कुछ कोई शक नहीं है, ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं है, कभी कोई पता नहीं चल पाया सही, अब ये जाँच का विषय है। बॉयफ्रेंड को लेकर सहेली से झगड़े के बाद एक छात्रा ने गुस्से में ब्लेड से अपना गला और हाथ पर कई कट मारे। यह देख बॉयफ्रेंड ने उसे रोका, तभी हंगामा सुनकर पास ही तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। तत्काल लड़की और उसके दोस्त को लेकर पड़ाव ले आए, यहां से JH लेकर पहुंचे। छात्रा घायल है और उसके गले और हाथ में गहरे कट लगे हैं। घटना स्टेशन बजरिया DB मॉल के बाहर की है। छात्रा ने खुद गुस्से में नशा कर ऐसा कदम उठाने की बात कबूली है। पुलिस ने छात्रा और उसके दोस्त के परिजन को सूचना दे दी है। छात्रा के साथ मिला लड़का मुरैना के कांग्रेस नेता का भतीजा बताया गया है। एक बच्ची है गायत्री आर्य नाम की, सुरेश नगर ठाटीपुर की रहने वाली है, करीब उम्र उसकी 20 साल करीब है। वो घर से झगड़ के कुछ अपना घर का जो पारिवारिक विवाद हुआ उसको लेके वो आज DB मॉल के सामने उसने अपने आप को हर्ट किया है, हाथ पास ब्लेड से काटने की कोशिश की है। तो आसपास के लोगों ने इसको रोक दिया, बचा लिया था और गर्दन पर भी कट लगाने की कोशिश करी है। उसके बाद उसको लेके थाने आए तो उसका ये कहना था कि मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है और कोई कारण नहीं है, पारिवारिक विवाद के चलते ऐसे ही मैंने वो किया, तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। फिर भी उसको अभी मेडिकल के लिए भेजा है और उसका प्राथमिक उपचार कराने के लिए भेजा है, लेकिन वो किसी प्रकार की कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं जाती, ऐसा उसका कहना है। नहीं, नशा वगैरह तो प्रथम दृष्टि अभी कुछ ऐसा समझ में आया नहीं है, मेडिकल में जो भी आएगा सामने पर बताएंगे। हाँ, वो एक मुँहबोला भाई अपना कोई बता रही थी, लेकिन अपन चूंकि उसके घर वालों से कॉन्टैक्ट किया है, घर वालों के आने के बाद उनको अपन उसको सपोर्ट करते हैं। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में बने मूक बाधिर और फिजिकल चैलेंज्ड बच्चों को स्नेहालय आश्रम में एक बार फिर एक छात्रा की बीमारी के चलते मौत हो गई। बताया गया कि स्नेहालय में रह रही नीतू सिंह को TB की बीमारी थी, जिसके चलते पिछले 10 दिन पूर्व उसे JH में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के चलते उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद कंपू थाना पुलिस ने मृतक का के सब का PM कराकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इससे पूर्व भी यहां कई बच्चियों की संदिग्ध मौत हो गई थी और आश्रम केयर टेकरों पर लापरवाही का आरोप भी लगा था।
सूचना हमारी चौकी पे आई तो हमको फार्म दीवान जी ने भर के दिया कि डेड हाउस इसको ले जाओ और इसका फीम कराना है। तो हम डेड हाउस फार्म लेके आ गए हैं। ये नीतू है, अज्ञात है, हाँ, इस न्यायालय से आई, यहाँ भर्ती रही 10 दिन। भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान खत्म हो गई। वो गंभीर रूप से बीमार थी, मुझे विस्तृत रूप से उसकी जानकारी नहीं है। मैं संबंधित चिकित्सक से जानकारी लेकर इसके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन गंभीर थी, इसीलिए उनको ICU में रखा गया था। और ये एक दुखद है मृत्यु उनकी। इलाज की पूरी मेहनत की गई, इलाज के बारे में सभी चिकित्सकों ने पूरी मेहनत की, मेरी कल चर्चा हुई थी, लेकिन अत्यंत गंभीर अवस्था होने की वजह से उनको चिकित्सक बचा नहीं सके। अब इसके बारे में PM के बारे में जो फाइंडिंग आएंगी, शासन को अवगत कराई जाएंगी, उसके नियमानुसार कार्रवाई होगी। ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी ने गत रोज बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। बंदी अमित सिंह शिवपुरी का रहने वाला था और उम्र कैद के मामले में सजा काट रहा था। पता गया है कि बंदी 31 मार्च को भी पैरोल से वापस जेल लौटा था और बुधवार को उसने पैरालिसिस अटैक के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कैदी की मौत पर मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। ये अपनी जेल में बंद थी, वो सजा पड़ चुकी ने, इनका नाम है खमीर सिंह, और इनको अचानक दौड़ा सा पड़ा और इनको अपने 7:30 बजे भर्ती कर दिया। परसों ही कर दिया था। उसके बाद में उपचार शुरू हो गया और बढ़िया, मतलब MRI वगैरह सब, जांचें वगैरह सब करा दी। अचानक अटैक आया है कोई, तो ख़त्म हो गया। 3-4 साल थे आजीवन कारावास। गर्मियों का मौसम जैसे जैसे अपने सबाब पर पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे वन्य जीव प्राणियों का गर्मी के चलते हाल बेहाल होता जा रहा है। ग्वालियर के गांधी प्राणी वन्य उद्यान में गर्मी की इसी तपिश और यहां रह रहे वन्य जीवों को हो रही परेशानी को देखते हुए गर्मी से बचाव के माकूल इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ गर्मी के मौसम में किसी वन्य प्राणी को परेशानी न हो। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रजातंत्र में हार जीत जनता के हाथों में होती है और भोपाल सहित पूरे प्रदेश की सीटों पर इस बार कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और इस बार प्रदेश में भाजपा की हालत खराब होने वाली है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पत्रकारों ने शिवराज सिंह चौहान और भोपाल सीट के बयान पर उनका पक्ष जानना चाहा, तो सिंधिया ने यहां सीधे शिवराज पर तो निशाना नहीं साधा, लेकिन इतना कहा कि प्रजातंत्र में जीत हार जनता के हाथों में होती है और जनता जिसे चाहेगी उसके सर पर ताज होगा। जहां तक मेरा आंकलन है कि प्रदेश की सभी सीटों पर इस बार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाएगी और भाजपा साफ हो जाएगी। सिंधिया के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ उनका स्वागत करने पहुंची। पिछली बार सिंधिया के आगमन पर बिगड़ी व्यवस्था को देखते हुए इस बार स्वागत सत्कार के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसने स्टेशन पहुंचकर कार्यकर्ताओं को कतारबद्ध खड़ा कर सिंधिया का स्वागत कराया। जनता की जिम्मेदारी होती है और जनता का निर्णय होता है, जो सिर माथे मुझे विश्वास है केवल भोपाल में नहीं लेकिन सारे 29 सीटों पर कांग्रेस का परचम है। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शासन की उस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जिसमें वर्ष 2018 में स्वास्थ्य विभाग व SNCU में दर्ज मौतों का आंकड़ा बताया था। आंकड़ों में एक साल में 380 की मौत शासन ने बताई थी, लेकिन उनकी मौत का कारण नहीं बताया था। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि यह कागजी रिपोर्ट है, इनकी मौत का कारण क्यों नहीं बताया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश नहीं की। फिर से रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। यहां बता दें कि अधिवक्ता SK शर्मा ने श्योपुर जिले में कुपोषण से मौतों को लेकर वर्ष 2016 में जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुपोषण को लेकर कई आदेश दिए हैं, उन आदेशों का सही से पालन नहीं हुआ है,
केंद्र व राज्य शासन कुपोषण खत्म करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बावजूद इसके कुपोषण से मौतें हो रही हैं, श्योपुर जिले में वर्ष 2016 में 116 मौतें हुई हैं। इसके लिए वहां का प्रशासन जिम्मेदार है। जिले में 116 मौतें हुई हैं, लेकिन शासन ने कुछ अधिकारियों के स्थानांतरण किए हैं, जिससे इन मौतों की भरपाई नहीं होती है। इसलिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आदिवासियों के बच्चों के संदर्भ में जो मृत्यु हुई थी 119, उनके संदर्भ में जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उस रिट पिटीशन में जो न्यायालय ने रिपोर्ट चाही थी, उसके संदर्भ में शासन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें 251 बच्चों की मृत्यु दर्शाई है। और उस मृत्यु में जो कारण दर्शाए हैं, वो कारण भी चूँकि रिपोर्ट में पूरी तरीके से उल्लेखित नहीं है कि वो किस तरीके से और किस परिप्रेक्ष्य में उनका जो मौत हुई है वो उसका उल्लेख हो। और चूँकि बीच में जो आगे और एक सर्कुलर के तहत उन्होंने ये दर्शाया है कि इतनी मौतों का जो ब्यौरा है बढ़ते हुए परिप्रेक्ष्य में या घटते हुए परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट न होने के कारण उस न्यायालय ने, मैंने माननीय न्यायालय ने उस रिपोर्ट को पुनः दोबारा से एक विस्तृत रिपोर्ट मेडिकल उसके साथ में प्रमाणीकरण के साथ में प्रस्तुत करने के लिए शासन को निर्देशित किया है। और जो अभी वर्तमान में जो जाँच उन्होंने सबमिट की है, उसमें एक जो मृत्यु का आंकड़ा दिया है करहाल और दूसरे श्योपुर के क्षेत्र का, वो 251 का है, लेकिन साथ ही उसमें 100 से अधिक मौतें अन्य और दर्शाई हुई हैं। इसलिए वो उसमें पूरा डिटेल में ब्यौरा स्पष्ट ना होने के कारण ये अभी कह पाना कि वो किस परिप्रेक्ष्य में और किस संदर्भ में उनको माना जाए, इसीलिए माननीय न्यायालय ने एक पृथक से रिपोर्ट विस्तृत प्रस्तुत करने के लिए शासन को निर्देश दिया। ग्वालियर के रेडीमेंट व्यापारियों की समस्याओं को जानने और उनकी परेशानियों का निदान करने के लिए मंगलवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रेडीमेंट कारोबारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों से चर्चा कर रेडीमेंट पार्क में शिफ्टिंग और पार्क में शिफ्टिंग से पहले जरूरी सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान चैम्बर पदाधिकारी और बड़े कपड़ा कारोबारी यहाँ मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में आज हम लोगों ने रेडीमेड पार्क वालों जो इच्छुक लोग हैं, जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, जिन्होंने वहाँ पे प्लॉट बुक कराए हुए हैं या जिन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, उस बारे में आज हम लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन करा है। काफ़ी बातें सकारात्मक उसमें हम लोगों को मिली है, और ये मैं अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूँ कि एक ये सोच था कि वहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते, लेकिन आज ये मीटिंग में उजागर हुआ है कि तकरीबन 200 लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। 60 उद्योगों का वहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है और बाकी 130 लोग तैयार हैं। अगर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो शासन से और IDC से हम लोग कराना चाहते हैं, अगर वो सॉल्व हो जाती हैं तो तुरंत ही ये लोग वहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि चैम्बर के साथ और उन लोगों के साथ लेकर के हम लोग ये बात IDC के चेयरमैन तक ये बात हम रखेंगे, और पूरा हम लोग को विश्वास है कि हमारी बात को माना जाएगा, ताकि एक अच्छी छोटे उद्योगों की स्थापना रेडीमेड पार्क में हो सके। अश्लील वीडियो बनाकर एक मासूम छात्रा से आरोपी ने संबंध बना लिए। एक बार नहीं, कई बार उसका शारीरिक शोषण किया और परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना थाटीपुर के कुबेर आश्रम इलाके की है। छात्रा ने 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। हर पन्ने पर आरोपी घृणा से वर्णन करते हुए लिखा है, अब सहन नहीं होता। पुलिस ने शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। थाटीपुर निवासी छात्रा के माता पिता मुरैना अपने गांव निकल गए थे, वहां फसल से संबंधित कुछ काम था। छात्रा के पिता शासकीय कर्मचारी भी है। काम नहीं हो पाने के चलते वो रात को गांव में ही ठहर गए। यहां घर पर बेटी और 13 साल का बेटा अकेले थे। सोमवार सुबह छात्रा के छोटे भाई ने देखा तो जिस रूम में बहन थी वो अंदर से बंद था। कई बार नॉक करने के बाद भी कोई हलचल नहीं होने से उसने सीढ़ियों पर चढ़कर देखा। बहन फांसी पर लटकी हुई थी। ये देख उसने शोर मचाया, आसपास से अपने दोस्त बुलाए, किसी तरह दरवाजा तोड़ा, फंदा काटकर बहन को नीचे उतारा, अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी। पिता को घटना की सूचना दी, पुलिस भी सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची। ये मेरी भांजी है, हैंगिंग उसने की हुई है और सुबह मालूम पड़ा था उसका, उसके बाद पुलिस ने यहाँ मेडिकल के लिए भेजा हुआ है।
क्या बोला था उसने घर पे, कैसे क्या उसने कहा? नहीं, अभी तो पुलिस ने जो जांच की है उसमें सुसाइड नोट पुलिस ने सीज किया हुआ है उसके। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है? वो मेरे को पढ़ने नहीं मिला अभी। पता नहीं कोई सुसाइड में कोई बच्चा लड़का था, परेशान करता था। हाँ, ऐसे कुछ बताया पुलिस ने। क्या बताया? किसी लड़के ने उसको परेशान किया हुआ है। कितनी उम्र होगी बच्ची की? 17 साल है। कौन सी क्लास की छात्रा? 12th क्लास के एग्ज़ाम दिया उसने। कोई एग्ज़ाम एग्जाम का भी बात आ रही है? कोई एग्ज़ाम की नहीं, ऐसा एग्ज़ाम का तो खैर खास बात नहीं है, लेकिन वो जो सुसाइड नोट बताए हैं पुलिस ने उसके आधार पर यही है कि उसको परेशान किया गया है किसी लड़के द्वारा। घर पे उसका छोटा भाई था केवल उस समय। किस कैसे पता चला कि इसने सुसाइड कर लिया? जब भाई ने गेट खटखटाया जब सुबह नहीं उठी वो, तब उसको मालूम पड़ा, उसने खिड़की में से झांक के देखा तब उसको मालूम पड़ा, तब उसके बाद अंश का नाम था। कहाँ की घटना है? ठाटीपुर कुबेर आश्रम के पास की घटना है। सुसाइड के लिए सूचना मिली है? क्या हुआ? लिखा पढ़ी करके अपन MLC कराने के लिए। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है अंशिका, डेट ऑफ बर्थ उमेश पाठक। सुसाइड नोट बता रहे हैं? नाम सुसाइड नोट नंबर बता रहे हैं? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। परिजनों का कहना है कि सुसाइड नोट मिला है? नहीं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। क्या कार्रवाई किया? क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई होगी MLC के बाद में जो भी। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां विभिन्न कांग्रेस नेताओं के निवास पर पहुंचे और परिवारजनों से मुलाकात की। इसी तारतम्य में सांसद सिंधिया गोविंदपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेंद्र शर्मा के निवास पर भी पहुंचे और हाल ही में उनके नवविवाहित पुत्र एवं पुत्र वधु को आशीर्वाद देकर नवजीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में सरपंच परिवार के लोग और कांग्रेस नेतागण मौजूद रहे। सिंधिया जी मेरे बेटे की शादी में 9 मार्च को आने वाले थे, पर CEC की बैठक होने के वजह से वो उसमें नहीं आ पाए। तो जब ग्वालियर जब वो आए तो मैंने कहा मैं आपके घर आना चाहता हूँ, बहू और बेटे से मिलना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तो इसलिए घर पे आए, सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। ग्वालियर के बाल भवन के पास स्थित महापौर निवास के पास खाली पड़ी शासकीय जमीन को इन दिनों अतिक्रमणकारियों ने अपना अड्डा बना रखा है और यहाँ पूरे दिन ठेले खमोचे और रेहड़ी वालों की वजह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। ऐसे में मंगलवार को निगम के मदाखलत अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए यहाँ अतिक्रमणकारियों को मौके से खदेड़ते हुए सास की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। और अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।